हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपका भरा दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले यूटिलिटीज़ एंड इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ एंड एनर्जी सेक्टर का, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनी है और इनके जो एमडी है वो सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है, अदानी ग्रीन एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो जो लोग नए हों दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आप ही के चैनल है मनी मेकर। और इसका टेक्निकल और एग्रेसिव टारगेट अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो। अभी देख सकते हो कि 2021 के आसपास ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है और -0.90% का आपका लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपका माइनस में, थोड़ा रेड में जाके बंद हुआ है। 31% अभी भी 52 एक हाई से आपका अंडर वैल्यू में स्टॉक मिल रहा है। कामकाज देख लेते हैं, 83% रिटर्न दे चुका है निफ्टी के कंपेयर में 1 ईयर में, और अभी भी 70% अपसाइड टारगेट निकल के आ रहा है। ऐसे ही एग्रेसिव टारगेट के लिए सब्सक्राइब कर लो आप ही के चैनल मनी मेकर को। दोस्तों देख सकते हो कि 70% अपसाइड टारगेट निकल के आ रहा है। अभी ये स्टॉक चल रहा है 2100 के आसपास और ये जाएगा 3580 रुपये में, मतलब 70% अपसाइड मोमेंटम पॉसिबिलिटी है। तो आपको अगर 4 महीने भी लग जाए तो दोस्तों 70% कम नहीं होता, और एक अच्छा कंपनी से, आपको एक भरोसामंद कंपनी से आपको ये रिटर्न मिलने वाला है। तो 14 नेगेटिव है, 9 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से अभी पॉजिटिव में जाने वाला है। उससे पहले ही मनी मेकर ने आपके लिए ये वीडियो बना के आपको अलर्ट कर दिया कि आप अपना पोजीशन बना लो अभी, क्योंकि जब भी ये बुल रन में जाता है तो एक एक दिन में 10% 12% कुछ भी नहीं है इसके लिए, एक दिन में रिटर्न दे देता है। अभी देख सकते हो कि यहाँ 2900 के लेवल से आपको 2100 के आसपास मिल रहा है ये स्टॉक। और सबसे बड़ी बात है कि EPS एक्सटर्नल सेल वन, अभी एनालिसिस ये सब का जितने भी है ये सब रिकमेंडेशन चेंज हो जाएगा। रेवेन्यू कलेक्शन देख सकते हो, रेवेन्यू कलेक्शन 300 करोड़ के आसपास बढ़ा है जून क्वार्टर में मार्च क्वार्टर से। एक्सपेंस भी उस हिसाब से 300 करोड़ का ही बढ़ा है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी माइनस में आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और डेप्रिसिएशन, अभी और भी इंस्टॉलेशन का इसके यूनिट बेसिस पे काम चल रहा है, मेगावाट में और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट मांडवी रिवर के पास जो सुजलॉन एनर्जी को दिया हुआ है, तो उसका भी 48 मेगावाट का आपका यूनिट के हिसाब से इंस्टॉलेशन जो अदानी ग्रीन से सुजलॉन को मिला था ये प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट भी आपको बैक टू बैक प्रोजेक्ट मिल रहा है सुजलॉन को भी, और इंस्टॉलेशन और भी ज़्यादा आपको रिन्यूएबल एनर्जी पे और ज़्यादा काम काज होगा। एनुअल रेवेन्यू देखा जाए तो कितना परसेंट रेज किया है, देखो 54% इन लास्ट ईयर्स, और इस सेक्टर का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है लास्ट फिजिकल ईयर में 23% का, बहुत अच्छी बात है। क्वार्टरली रेवेन्यू 67% का आपका क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ किया है। एनुअल नेट प्रॉफिट आपका देख सकते हो कि लास्ट फिजिकल ईयर के कंपेयर में 48% का नेगेटिव क्या है, नेगेटिव 2.2% है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फॉल है। और ये इंस्टॉलेशन अभी भी बहुत ज़्यादा काम है इनके बिजनेस को, सेगमेंट को बढ़ाने के लिए, तो ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है। स्टॉक प्राइस 8.47% आपका ज़्यादा है पिछले साल के कंपेयर में। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का देखा जाए तो उतना ज़्यादा आपका रिटर्न, हायर रिटर्न निकल के दिया नहीं है, क्योंकि आपको सही टाइम पे आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था, तभी जाके आप डेप्थ टू इक्विटी रेशियो में डेप्थ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसके जितने भी इंस्टॉलेशन काम है, एक्सपेंशन काम है, सब कंपनी के खुद को करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा डेप्थ लेना पड़ता है ये सब स्टॉक में। रिटर्न ऑन इक्विटी मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए दोस्तों, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हाथ में है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हो 20% ज़्यादा है, और म्यूचुअल फंड का होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है, प्रोमोटर अपना होल्डिंग बढ़ाया है 0.25%। ये सबसे बड़ी बात है कि प्रोमोटर क्या राय दे रहा है, स्टैंड कर रहा है कि नहीं। और प्लेज, प्रोमोटर का प्लेज देख सकते हो, प्रोमोटर का प्लेज आपका थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि आपका प्लेज रखेगा तभी तो और भी ज़्यादा लोन मिलेगा और ज़्यादा इंस्टॉलेशन का काम होगा। बाकी सेंटीमेंट में अभी भी आपका बुलिश जोन आया नहीं है, बियरिश जोन में 16 में 16 है। और सबसे बड़ी बात है कि फास्ट सपोर्ट देखो, 2100 के आसपास ही जो करंट मार्केट प्राइस है वही एक सपोर्ट जोन में खड़ा है, तो यहाँ से एक सीधा आपको बुल रन स्टार्ट होने वाला है RSI 45 में और MFI 37 में, यहाँ से तगड़ा बुल रन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ अब टेक्निकल पैरामीटर जो है आपका ओवरसोल्ड जोन से निकला है और बुल रन की तरफ भाग रहा है। 2.3% आपका 1 मंथ में रिटर्न दिया है तो, और देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 82% का रिटर्न दिया है, देख सकते हो आप 82.9%। शेयर होल्डर में म्यूचुअल फंड का LIC का होल्डिंग है और 1.2% का। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोमोटर अपना 0.25% इंक्रीज़ किया है। FII बहुत ज़्यादा बुलिश है, 5% बाई किया है सितंबर क्वार्टर में,
ऐसा कोई स्टॉक नहीं होगा जिसमें 5% FII अपना एक क्वार्टर में बाई कर लिया हो। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा बुल रन होने वाला है स्टार्ट। तो इससे पहले सब्सक्राइब कर लो अभी के चैनल मनी मेकर को। ऐसे टारगेट के साथ, एग्रेसिव टारगेट के साथ 70% का टारगेट दिया जा रहा है 3581। मेरा भी तरफ से 70% का ही टारगेट रहेगा दोस्तों। अभी देख लेते हैं कि इसका अदानी ग्रीन स्टॉक टू वॉच लिस्ट में भी देखो आ गया है। ये आपका इकोनॉमिक्स टाइम में भी आ गया स्टॉक टू वॉच लिस्ट में अदानी ग्रीन। तो स्क्रॉल करते हैं इसको, देख सकते हो अदानी ग्रुप का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो सिलेक्ट किया जा रहा है, तो ये स्टॉक टू वॉच लिस्ट में भी इसको डाला गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो आपके चैनल मनी मेकर को, और ऐसे एग्रेसिव टारगेट के लिए सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ये स्टॉक अभी बुल रन स्टार्ट होने वाला है, इससे पहले आप बाई कर लो। 3580 रुपये आपका जनवरी लास्ट तक, 3 महीने का टाइम दे दो स्टॉक में, 70% आपको